हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2021 में आई सीरीज तंदूर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है दिल्ली के शर्मा हाउस से, जहाँ पर साहिल शर्मा नाम का एक आदमी अपनी वाइफ पलक को मार देता है। वो उसकी लाश को एक बोरी में भरता है और कहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद साहिल अपने एक ढाबे पे आता है। साहिल ढाबे के मैनेजर से पूछता है कि क्या तंदूर शुरू है या नहीं। मैनेजर जैसे ही हाँ कहता है, साहिल उसे एक इशारा करता है और मैनेजर सभी कस्टमर्स और वेटर्स को ढाबे से जाने के लिए कहता है। ढाबा पूरी तरह से खाली हो गया था तो साहिल उस बॉडी को लेकर तंदूर में डालने के लिए कहता है, जिसके बाद मैनेजर पलक की बॉडी को तंदूर में डाल देता है। लेकिन बॉडी जलाने के लिए और ज्यादा आग की जरूरत थी। जब वो आग बढ़ाता है तो धुआं भी बहुत ज्यादा हो रहा था। उसी के ढाबे के बाहर एक औरत चने सिंह बेचती थी। वो देखती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वो रास्ते से घर जा रही थी तभी पुलिस की गाड़ी से टकराती है और चिल्लाने लगती है कि उसे कुछ भी पता नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है। पुलिस भी जब ढाबे पर देखते हैं तो वहां से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा था, इसलिए पुलिस इंक्वायरी करने के लिए वहां चली जाती है। जैसे ही साहिल को पता चलता है ढाबे के बाहर पुलिस वाले आए हैं, तो वो मैनेजर से कहता है कि पुलिस वालों को बाहर के बाहर ही भगा दे। मैनेजर भी वैसा ही करता है और पुलिस से कहता है कि वो कुछ पार्टी के बैनर चला रहा है। एक्चुअली साहिल एक पॉलिटिशियन पार्टी से बिलोंग करता है, इसलिए मैनेजर ये बहाना बनाता है कि बहुत सारे बैनर्स हैं जिसे साहिल जला रहा था। पुलिस वाले भी मैनेजर की बातों पर यकीन करते हैं और वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद साहिल मैनेजर को पैसे देता है और लाश को पूरी तरह जलाने के लिए कहता है। ये कहकर साहिल वहां से कहीं और चला जाता है। लेकिन उन दोनों पुलिस वालों को अभी भी डाउट आ रहा था कि बैनर की आग इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। उन्हें मैनेजर पर डाउट आता है क्योंकि मैनेजर ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया था, इसलिए वो वापस चेक करने के लिए ढाबे पर जाते हैं। तब तक दरवाजा ढाबे का बंद हो चुका था और मैनेजर दरवाजा नहीं खोल रहा था, इसलिए एक पुलिस ऑफिसर दीवार कूद के ढाबे के अंदर जाता है। वहां पर वो तंदूर को देखने लगता है और मैनेजर उसे समझाता है कि वो बैनर ही चला रहा है। वो दोनों बातें कर रहे थे तभी उस तंदूर में से एक हाथ बाहर गिर जाता है। पुलिस वाले समझते हैं कि यहाँ कुछ और ही गड़बड़ चल रही है। वो मैनेजर को अरेस्ट कर लेते हैं और उससे पूछताछ शुरू होती है। तब पुलिस वालों को पता चलता है कि ये बॉडी कोई लड़की की थी और उस लड़की का नाम था पलक शर्मा। हर तरफ ये न्यूज फैल जाती है कि साहिल शर्मा के ढाबे में जो तंदूर है वहां पर एक लड़की की बॉडी को जलाया जा रहा था। ये न्यूज साहिल का एक फ्रेंड अय्याज पढ़ता है, जिसे पढ़कर वो पुलिस स्टेशन आता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि ये बॉडी जरूर पलक शर्मा की होगी, पलक साहिल की वाइफ थी। लेकिन पुलिस वालों को इस बात पर यकीन नहीं था, इसलिए वो उसे पलक की बॉडी दिखा देते हैं। पलक की बॉडी पूरी तरह से जल गई थी और सिर्फ स्केलेटन ही बचा था। लेकिन अय्याज ने पलक के एक बर्थडे को उसे एक डायमंड रिंग दी थी, जिसे देखकर अय्याज को यकीन होता है कि ये पलक की ही बॉडी थी। पुलिस वाले फिर पलक के घर जाते हैं, लेकिन उसके घर को लॉक था और साहिल शर्मा का भी कोई पता नहीं था, जिसके बाद अय्याज पुलिस वालों को उसकी स्टोरी बताने लगता है। एक्चुअली पलक और अय्याज बचपन से दोस्त थे। अय्याज पलक को पसंद भी करता था, लेकिन पलक के लिए अय्याज सिर्फ उसका फ्रेंड था। वो जब कॉलेज में आए तब उनके कॉलेज में साहिल शर्मा भी पढ़ता था। साहिल एक बार इलेक्शन में खड़ा हुआ था और वो पलक और अय्याज से वोट मांगता है, लेकिन पलक बहुत भाव खाती है और वो भी साहिल के अपोजिट इलेक्शन में खड़ी होती है। साहिल को पलक बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए वो अपने वोटर्स को भी कह रहा था कि वो पलक को ही वोट दें। पलक ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इतना कहने के बाद भी आखिरकार साहिल ही इलेक्शन जीत जाता है। पलक उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है, लेकिन साहिल नर्वस था क्योंकि पलक जीत नहीं पाई। तब से उनकी दोस्ती स्टार्ट होती है और धीरे धीरे उन दोनों को प्यार हो जाता है। लेकिन अय्याज को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन पलक को खुश देखकर वो कुछ भी नहीं कहता। पलक और साहिल डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन साहिल के घर वाले नहीं मानते, इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो छुपकर शादी करेंगे और शादी के बारे में अभी वो किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि वो अभी स्ट्रगल कर रहे थे और एक बार उनका करियर सेटल हो जाए जिसके बाद वो घर वालों को बता देंगे। पलक भी इस बात के लिए मान जाती है और वो दोनों शादी करते हैं। शादी में पलक का कन्यादान अय्याज ही करता है। शादी के बाद पलक और साहिल एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं और उनकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी चल रही थी। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और अय्याज पुलिस को बताता है कि शादी के कुछ दिनों बाद उन दोनों में झगड़े होने लगे थे,
लेकिन पुलिस को अब अय्याज पर ही डाउट था। उन्हें लग रहा था कि शायद अय्याज ने ही अपना बदला लेने के लिए पलक को मारा होगा। लेकिन अय्याज पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि सबसे पहले वो साहिल को पकड़ ले, वरना साहिल कहीं भाग जाएगा। जिसके बाद पुलिस वाले मैनेजर को मारकर पूछने लगते हैं कि साहिल मुल्लाबी कहाँ है। मैनेजर पहले तो कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन मारने के बाद वो बताने लगता है कि साहिल ने मैनेजर को बहुत सारे पैसे दिए थे। जिसके बाद वो बताता है कि साहिल यहाँ से मुंबई गया है। तभी हम देखते हैं साहिल मुंबई जाकर एक आदमी से मिलता है। एक्चुअली साहिल अपने बेल का बंदोबस्त करने में लगा हुआ था। वो आदमी साहिल को बताता है कि अगर उसे बेल चाहिए तो उसे मद्रास हाईकोर्ट में जाना होगा। जिसके बाद वो साहिल से कहता है कि वो बच कर जाए क्योंकि पुलिस उसे ढूंढ रही है। पुलिस को भी खबर मिल गई थी कि साहिल मद्रास के लिए निकलने वाला है, इसलिए वो उसे पकड़ने का ही इंतजार कर रहे थे। साहिल उस रात होटल में रुकता है और उसे अपने साथ पलक दिखाई दे रही थी। साहिल पलक से कह रहा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन पलक अचानक से गायब हो जाती है। अगले दिन साहिल का वकील उसे कॉल करके बताता है कि पुलिस उसे पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछा रही है। जिसके बाद साहिल अपना पूरा लुक ही चेंज कर देता है ताकि पुलिस उसे ना पकड़ पाए। लेकिन कोर्ट के बाहर ही पुलिस साहिल को पहचान लेती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद वो साहिल से पूछते हैं कि उसने पलक को क्यों मारा। तब साहिल बताने लगता है कि वो और पलक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद पलक का अय्याज के साथ बात करना साहिल को इतना पसंद नहीं आ रहा था। ऊपर से उन दोनों ने अपनी शादी के बारे में किसी को बताया नहीं था, इसलिए पलक शादीशुदा है ये किसी को भी पता नहीं था। पलक अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी, इसलिए वो बाहर पार्टी वालों से मिलने जाती है। लेकिन साहिल को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आ रही थी। उसका कहना था कि पलक को अब घर संभालना चाहिए, बाहर के सारे काम साहिल देख लेगा। लेकिन पलक का ऐसा मानना नहीं था। इस बात से साहिल पलक पर गुस्सा था और पलक भी साहिल पर गुस्सा थी कि वो सबके सामने पलक को एज अ वाइफ एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता। लेकिन साहिल इसके लिए कुछ टाइम चाहता था। तभी साहिल को पता चलता है कि पलक अय्याज के साथ पार्टी ऑफिस जाने वाली है, जिसके बाद फिर से साहिल और गुस्सा हो जाता है। पलक अय्याज के साथ पार्टी ऑफिस चली जाती है और बहुत टाइम तक घर वापस नहीं आती। साहिल के मन में बुरे ख्याल आ रहे थे, इसलिए वो भी वहां पर जाता है। तो पलक अय्याज और एक आदमी वहां पर ड्रिंक्स कर रहे थे। साहिल ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अय्याज साहिल को समझाता है कि पलक सिर्फ साहिल से प्यार करती है, इसलिए अय्याज और पलक के बारे में वो कुछ भी ना सोचे। लेकिन साहिल अय्याज को धमकी देता है कि अगर फिर से वो पलक के पास दिखाई दिया तो वो अय्याज को मार देगा। जिसके बाद साहिल गुस्से से वहां से चला जाता है। जब रात को वो घर वापस आता है तो पलक किसी के साथ कॉल पर बातें कर रही थी, लेकिन साहिल को देखते ही वो कॉल को कट कर देती है। साहिल उसे एक ड्रिंक बनाने के लिए कहता है और पलक जब ड्रिंक बनाने गई थी तो साहिल उस नंबर पर फिर से कॉल करता है और ये फोन अय्याज उठाता है। साहिल समझ जाता है कि पलक अय्याज के साथ ही बातें कर रही थी। जब पलक ड्रिंक लेकर वापस आती है तो साहिल पलक से पूछता है कि वो किससे बातें कर रही थी। पलक बताती है कि वो अपनी मम्मी से बात कर रही थी। इससे साहिल बहुत गुस्सा होता है और पलक पर चिल्लाने लगता है। साहिल पलक पर बार बार शक कर रहा था, जिसकी वजह से पलक भी साहिल पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। दोनों में झगड़ा काफी बढ़ जाता है और पलक अपने रूम में चली जाती है। अय्याज को भी डाउट हो गया था कि शायद पलक और साहिल के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए वो पलक को कॉल कर रहा था। लेकिन कॉल साहिल रिसीव करता है और अय्याज की आवाज सुनकर वो और ज्यादा गुस्सा होता है। वो कॉल कट कर देता है और गन लेकर पलक के रूम में जाता है। पहली गोली वो चलाता है, लेकिन पलक नीचे बैठी थी जिसकी वजह से उसे गोली नहीं लगती। पलक साहिल को समझाने लगती है, तभी साहिल पलक के सर में गोली मार देता है और पलक की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद साहिल पलक की बॉडी को अच्छे से रैप करता है और अपने ड्राइवर की मदद से उसे गाड़ी के डिक्की में रख देता है और फिर अपनी कार लेकर ढाबे पर जाकर उसकी बॉडी को तंदूर में डालता है और इस तरह से उसने पलक को मारा था। पुलिस वाले ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक थे। साहिल बताता है कि उसने जो भी किया वो गुस्से में किया, आज भी वो पलक से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। एक्चुअली ये सीरीज एक सच्ची घटना पर बेस्ड है। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।